A very good morning, dear children. I hope you all are doing well. Today we will be studying SST and we will be starting chapter 3, the Northern Mountains and the Northern Plains. आपने फिजिकल डिविजन्स का जो मैप है वो फिल किया है, कलर्स फिल किए हैं, नेम्स रफ नोटबुक में लिखे हैं. नाउ यू नो वेरी वेल अबाउट द सिक्स फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया एंड यू नो दैट द नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर ऑल्सो फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ब्राउन कलर इज शोइंग द नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड द ग्रीन कलर इज शोइंग द नॉर्दर्न प्लेन्स. यस, why it is northern? Because the direction is in the north side. Yes, these are the northern mountains and the northern plains, and today we'll be studying in detail about the northern mountains. The northern mountains stretch across the northern boundary of India. ये हमारी नॉर्दर्न बाउंड्री पर है, इंडिया की जो नॉर्दर्न बाउंड्री है उस पर नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं. दे इंक्लूड द हिमालयाज विच आर द हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड. यहाँ पर हिमालयाज है जो कि वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट माउंटेन्स हैं. द हिमालयाज स्ट्रेच इन अ लॉन्ग कर्व फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट. लॉन्ग कर्व जा रही है बच्चों, जम्मू एंड कश्मीर जो कि वेस्ट में है और अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट. देयर ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट इज अबाउट 2400 किलोमीटर. ये जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है इनका, ईस्ट वेस्ट से लेके ईस्ट तक, ये कितना है? 2400 किलोमीटर. और जो विथ है इनकी, वो कितनी है? द विथ वेरीज फ्रॉम अबाउट 500 किलोमीटर इन द वेस्ट. इट इज 500 किलोमीटर. And to about 200 kilometers in the east. Here it is 500 kilometers the width. Okay. They form a natural boundary between India and China. Dekho. You can see in this picture. They form a natural boundary between India and China. ये जो northern mountains हैं, जो Himalayas हैं, इससे हिमालयाज से क्या बन रहा है बच्चों? एक नेचुरल बाउंड्री हमारे इंडिया और चाइना के बीच बनती है. द हिल रेंजेस इन द नॉर्थ ईस्ट इंक्लूड द गारो, खासी, जैंतिया, नागा एंड मिजो हिल्स. दीज हिल रेंजेस आर नॉट वेरी हाई एंड आर कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट. आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये जो हिल्स हैं, गारो, खासी, जैंतिया, नागा, ल्यूशाई एंड मिजो, आप अपनी बुक में देख सकते हैं. यहाँ पे आपको दिखाई देंगी मिजो हिल्स, यहाँ पे शो हो रही हैं गारो हिल्स, खासी, जैंतिया हिल्स, नागा हिल्स यहाँ पर हैं. तो ये हमारे नॉर्थ ईस्ट में हैं ये हिल्स. These hill ranges are not very high. ये बहुत ऊंची नहीं है. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, these hills are not very high and are covered with thick forest. Okay? अब हिमालय के बारे में आया तो we should know the meaning of हिमालया. What is the meaning of हिमालय? What do you mean by हिमालय? क्या meaning है इसका? हिमालय इन संस्कृत मीन्स द अबोड ऑफ स्नो, बर्फ का घर. इट इज गिवन दिस नेम बिकॉज अ लार्ज पार्ट ऑफ हिमालयाज इज कवर्ड विद स्नो ऑल ईयर अराउंड. पूरा साल बर्फ से ढका रहता है हिमालय, तो इसलिए इसको बर्फ का घर कहा गया है.
The highest peak of the Himalayas is Mount Everest, जिसकी जो हाइट है दैट इज 8,848 meters, which is situated in Nepal. और अब माउंट एवरेस्ट के बारे में जान रहे हैं तो कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट पढ़ लेते हैं. एडमंड हिलरी एंड तेंजिंग नॉर्गे द फर्स्ट पीपल टू रीच द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट. दीज टू पीपल एडमंड हिलरी एंड तेंजिंग नॉर्गे, ये वो दो लोग हैं जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर गए थे. ओके. बछेंद्री पाल वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट. बछेंद्री पाल जो कि इंडियन वुमेन थी, वो सबसे पहली इंडियन वुमेन थी जो कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर गई थी, पीक पर गई थी. बछेंद्री पाल इज द इंडियन लेडी. एडमंड हिलरी एंड तेंजिंग नॉर्गे वर नॉट इंडियन, दे बिलोंग टू न्यूजीलैंड एंड नेपाल. बछेंद्री पाल वॉज एन इंडियन वुमेन. संतोष यादव इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस. संतोष यादव जो है वो फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो कि माउंट एवरेस्ट पर दो बार गई. तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं अबाउट हिमालयाज, द हाइट ऑफ हिमालयाज, सॉरी माउंट एवरेस्ट, द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट. और माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं कि कौन सबसे पहले गया था, कौन सी इंडियन वुमेन सबसे पहले गई थी और कौन सी इंडियन वुमेन टू बार गई है. ओके. मैनी इंडियन स्टेट्स आर फाउंड इन द हिमालयन रीजन. बहुत सी इंडियन स्टेट्स हैं हमारे जो हिमालयन रीजन में हमें मिलते हैं. दीज स्टेट्स आर जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. विच आर दीज स्टेट्स? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, ये तो छोटा सा है यहाँ पे, ये दिस इज सिक्किम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल. ओके. तो ये क्या है बच्चों, ये वो कुछ स्टेट्स हैं जो हमारे हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं. द हिमालयाज कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री पैरेलल माउंटेन रेंजेस. हिमालयाज को थ्री पैरेलल माउंटेन रेंजेस में डिवाइड किया गया है. हिमाद्री, द ग्रेटर हिमालयाज, हिमाचल, द मिडल और द लेसर हिमालयाज एंड शिवालिक, द लोअर हिमालयाज. ये ग्रेटर हिमालयाज है, हिमाद्री, हिमाचल, मिडल एंड और द लेसर हिमालयाज, शिवालिक, द लोअर हिमालयाज. ओके. अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. लेट्स अंडरस्टैंड द हिमाद्री रेंज. द हिमाद्री रेंज, द हिमाद्री इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज. ये सबसे टॉप पर है, नॉर्थ में सबसे ऊपर जो रेंज है दैट इज द हिमाद्री रेंज. इट इज द हाईएस्ट रेंज इन द हिमालयाज. सबसे ऊंची है ये हिमालयाज में ये वाली रेंज. विद एन एवरेज हाइट ऑफ ओवर 6,000 meters, द माउंटेन्स हेयर आर ऑलवेज कवर्ड इन स्नो. यहाँ पे जो बर्फ होते हैं दे आर ऑलवेज कवर्ड इन स्नो, as you can see in this picture. In some places, huge masses of ice called glaciers that move down the mountain slopes are found. यहाँ पर glaciers पाए जाते हैं जो कि mountain slopes से, mountains के जो ढलान हैं उससे धीरे धीरे नीचे आ रहे होते हैं. When these glaciers reach warmer regions, they melt and form rivers. जब ये नीचे warmer regions में पहुँचते हैं then they melt and form rivers. The region receives heavy rainfall. यहाँ पर heavy rainfall होता है इस range में.
Some of the highest mountain peaks, such as Mount Kanchenjunga and Mount Annapurna, are found here. यहाँ पर कुछ जो सबसे highest peaks हैं हमारे mountains की mountain range की, like Kanchenjunga and Annapurna, are found here. Some important mountain passes like the Zojila Pass in Jammu and Kashmir are located in this range. Mountain pass is a road or way through mountain. Mountain से जो निकलता हुआ रास्ता होता है उसे mountain pass कहते हैं. और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर जो में जो located है Zojila Pass यहीं पर located है इस range में, हिमाद्री range में. Okay? And what is the climate here? Here is very cold. As it is very cold here throughout the year, it is very difficult for people and animals to live in this region. Cultivation is also not possible in this mountainous region. यहाँ पर cultivation possible ही नहीं है. Even लोगों के लिए, animals के लिए भी रहना difficult है. Why? Because it is very cold here. Throughout the year, पूरे साल यहाँ पर बहुत ठंड रहती है, so it is very difficult for the people and for animals also to live, and the cultivation is also not possible here. Okay? तो हिमाद्री रेंज के बारे में हमने ये सब जान लिया है कि यहाँ पर सब पूरा साल throughout the year बिल्कुल cold रहता है, ठंड रहती है, heavy rainfall होता है. यहाँ पे mountain peaks जो हैं Kanchenjunga, Annapurna हैं, यहाँ की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक्स यहाँ पर मिलती हैं, और Zojila पास जो कि जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है, और इसकी हाइट आपने जान ली है 6000 मीटर एवरेज हाइट है इसकी. हिमालयाज में सबसे हाईएस्ट रेंज है हिमाद्री रेंज, जो कि पूरा साल बर्फ से ढका होता है यहाँ पर, और बहुत से यहाँ पे ग्लेशियर्स भी पाए जाते हैं. ओके, Now we'll be studying about the Himachal range. हिमाद्री range के बारे में हमने पढ़ लिया है जो कि northern most range है. Now we'll be studying about the Himachal range. This range is found between the Himadri and the Shivalik. इन दोनों के जो बीच में पाई जाती है, that is the Himachal range. The mountains are not as high as the Himadri here. यहाँ पर उतने ऊंचे पहाड़ नहीं है, उतने ऊंचे माउंटेन्स नहीं हैं जितने कि हिमाद्री में थे. द हिमाचल रेंज हैज सम ब्यूटीफुल वैलीज सच एज द वैलीज ऑफ कश्मीर, कुल्लू एंड कांगड़ा. यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल वैलीज हैं, वैली ऑफ कश्मीर, वैली ऑफ कुल्लू एंड कांगड़ा. ओके, ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस लाइक शिमला, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा एंड दार्जिलिंग आर लोकेटेड इन दिस रीजन. यहाँ पर ये हिल स्टेशन इसी रेंज में मिलते हैं बच्चों, हिमाचल रेंज में. आप अक्सर गए भी होंगे किसी हिल स्टेशन पे, शिमला, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा या दार्जिलिंग, ये सब हिमाचल रेंज में हैं. ओके, some important mountain passes such as the Rohtang Pass of Himachal Pradesh are found in this region. यहाँ पर कौन सा mountain pass है? Rohtang Pass. Okay? Himachal range में है. The Himachal range has thick forests covered with pine, oak, deodar and fir trees. यहाँ पे थिक फॉरेस्ट होते हैं, और यहाँ पे कौन कौन से ट्रीज हैं? पाइन, ओक, देवदार एंड फर ट्रीज. द लोअर स्लोप्स ऑफ दीज रेंजेस हैव ऑर्चर्ड्स एंड इन द ईस्ट वी फाइंड टी प्लांटेशन. इस रेंज के जो लोअर स्लोप्स हैं, जो निचले ढलान हैं, उन पर ऑर्चर्ड्स पाए जाते हैं एंड इन द ईस्ट और ईस्ट की तरफ टी प्लांटेशन.
चाय की जो खेती होती है वो होती है। ओके, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? द क्लाइमेट इन दिस रीजन इज सुइटेबल फॉर कल्टिवेशन। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो पूरी तरह से सुइटेबल है कल्टिवेशन के लिए। द विंटर मंथ्स आर कोल्ड वाइल द समर मंथ्स आर कूल एंड प्लीजेंट। यहाँ पे जो विंटर का जो टाइम होता है वो बहुत कोल्ड होता है और जो समर का होता है दोज मंथ्स आर कूल एंड प्लीजेंट, बहुत सुहावने और अच्छे होते हैं। और यहाँ पर आप गए होंगे अक्सर हिमाचल में ड्यूरिंग समर्स। इस साल तो नहीं गया होगा कोई बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ COVID-19, लेकिन एवरी ईयर जून के जो समर वेकेशंस हमें मिलते हैं उसमें अक्सर लोग हिमाचल जाते हैं। ड्यूरिंग द समर पीपल लव टू विजिट दीज हिल स्टेशंस, यस टू एस्केप द हीट ऑफ द प्लेन्स। यहाँ की जो गर्मी है उससे बचने के लिए लोग हिल स्टेशंस पे घूमने जाते हैं क्योंकि दीज आर द कूल प्लेसेस। हिमाचल रेंज हो गया है, नाउ विल बी नोइंग अबाउट द शिवालिक रेंज। द शिवालिक रेंज, द शिवालिक फॉर्म द सदर्न मोस्ट एंड द लोएस्ट रेंज। हमने सबसे पहले द हिमाद्री रेंज पढ़ा, देन द हिमाचल एंड इट इज द लोएस्ट रेंज द शिवालिक रेंज। ओके, हिमाद्री हमारा नॉर्दर्न मोस्ट था, देन मिडल और लेसर हिमालयस था हमारा द हिमाचल रेंज एंड इट इज द लोएस्ट रेंज द शिवालिक रेंज। दीज आर हिल्स रादर देन माउंटेन्स, यहाँ पर माउंटेन्स से ज़्यादा हिल्स पाई जाती हैं। ओके, द स्लोप्स ऑफ दीज हिल्स आर यूज फॉर टेरेस फार्मिंग। यहाँ की जो स्लोप्स हैं उन पर टेरेस फार्मिंग की जाती है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर टेरेस फार्मिंग ऑन हिल्स स्लोप्स इन उत्तराखंड। यहाँ ये उत्तराखंड की हिल स्लोप्स की पिक्चर है जहाँ पर टेरेस फार्मिंग की जाती है। वॉट इज अ टेरेस फार्मिंग? इट इज अ फॉर्म ऑफ फार्मिंग डन बाय बिल्डिंग अ सीरीज ऑफ स्टेप्स इन द स्लोप्स ऑफ हिल्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ओके, द स्लोप्स आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट एंड वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इज फाउंड हियर। यहाँ पर जो स्लोप्स होते हैं हिल्स के दोज आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट। ओके, यहाँ पर पाई जाती है वेराइटीज ऑफ वाइल्ड लाइफ। मच ऑफ द लैंड इज यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स सच एज राइस पोटैटोज एंड मेज। यहाँ के जो ज़्यादातर लैंड है उसका यूज़ किया जाता है किसके लिए? फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स सच एज राइस पोटैटोज एंड मेज। ओके, और टेरेस फार्मिंग का मैंने आपको दिखा दिया है, ये दिस इज द पिक्चर फ्रॉम योर बुक। ओके, कैटल रियरिंग इज ऑल्सो कॉमन हियर। यहाँ पे पशुपालन भी एक कॉमन बात है। द रीजन टू द साउथ ऑफ द शिवालिक रेंज इज कॉल्ड द तराई। शिवालिक रेंज में जो साउथ की तरफ जो ये एरिया है दैट इज कॉल्ड द तराई। दिस इज शिवालिक और जिसकी साउथ में है दैट इज कॉल्ड तराई। ओके, इट इज अ फ्लैट मार्शी एरिया। ये एक फ्लैट मार्शी एरिया है, यू नो मार्शी वेट एंड मडी वाटर लॉक्ड एरिया। ओके, वेयर क्रॉप्स सच एज राइस वीट एंड शुगर केन आर कल्टिवेटेड। तराई रीजन में कौन सी कल्टिवेशन होता है किस किस चीज का? राइस वीट एंड शुगर केन बिकॉज इट इज अ मार्शी एरिया। ओके, इट इज अ फ्लैट मार्शी एरिया। तो हमने अब शिवालिक रेंज के बारे में भी पढ़ लिया है। नाउ विल गेट टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयाज। द इम्पोर्टेंस ऑफ द हिमालयाज, वी हैव स्टडीड अबाउट द थ्री पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालयाज विच आर द हिमाद्री रेंज द हिमाचल रेंज एंड द शिवालिक रेंज। यस, नाउ विल गेट टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयाज। हमारे लिए हिमालयाज की हमारी कंट्री के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, क्या करते हैं हमारी कंट्री के लिए?
हिमालयाज एक्ट एज नेचुरल बाउंड्री, एज अ नेचुरल बाउंड्री, ये हम एक नेचुरल बाउंड्री का रोल अदा कर रहे हैं। हमारी नॉर्दर्न मोस्ट में ये हिमालयाज हैं एंड दे एक्ट एज अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना। उससे क्या होता है, जो फॉरेन इन्वेजन्स होते हैं उससे हमारी प्रोटेक्शन होती है। ओके एंड अभी आप सुन ही रहे होंगे रिसेंटली अबाउट द चाइना एंड इंडिया, देर इज़ अ लिटिल वॉर गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, लिटिल डिस्प्यूट, जिसके चलते क्या हो रहा है कि चाइनीज चीज़ों को बैन किया जा रहा है और चाइनीज ऐप्स को बैन किया गया है। येस, हाउएवर द हिमालयाज एक्ट एज अ नेचुरल बाउंड्री एंड हैव ऑलवेज प्रोटेक्टेड इंडिया फ्रॉम फॉरेन इन्वेजन्स सिंस टाइम्स इमेमोरियल। बहुत पहले के समय से ऐसा हो रहा है कि हिमालयाज जो है हमें प्रोटेक्शन देते हैं। दे प्रिवेंट द कोल्ड बाइटिंग विंड्स कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न एशिया फ्रॉम एंटरिंग इंडिया। जो नॉर्दर्न एशिया से जो कोल्ड बाइटिंग विंड्स आ रही हैं, खतरनाक ठंडी हवाएं, उन्हें वो रोकता है ताकि वो हमारे इंडिया में एंटर ना करें, वो उससे भी हमें प्रोटेक्शन देता है। दे ऑल्सो स्टॉप द रेन बेयरिंग मानसून विंड्स फ्रॉम लीविंग इन इंडिया रिजल्टिंग इन हैवी रेनफॉल ओवर द कंट्री। ये स्टॉप करता है रेन बेयरिंग मानसून विंड्स को इंडिया को छोड़ने से, ताकि यहाँ पे कंट्री में भारी बारिश हो, हैवी रेनफॉल हो। द फॉरेस्ट इन द हिमालयाज प्रोवाइड अस विद वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज टिम्बर, मेडिसिन एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज रेसिन, हनी एंड सो ऑन। जो हिमालयाज के जो फॉरेस्ट्स हैं उनसे हमें क्या क्या मिलता है, वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि टिम्बर, यू नो अबाउट द टिम्बर, टिम्बर इज अ वुड विच इज यूज फॉर मेकिंग थिंग्स, फॉर बिल्डिंग थिंग्स, ओके, एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज रेसिन, हनी एंड सो ऑन। ये सब वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हमें किससे मिलते हैं, हिमालयाज में जो फॉरेस्ट्स हैं उनसे, रेसिन, हनी, मेडिसिन, टिम्बर एंड सो ऑन। ओके, मैनी एनिमल्स सच एज द स्नो लेपर्ड, टाइगर, राइनोसेरोस एंड द वाइल्ड याक आर फाउंड हियर। The melting snow of the Himalayan glaciers provides water to our rivers throughout the year. पूरे साल हमें हिमालयन जो ग्लेशियर्स हैं उनसे जो आइस मेल्ट होकर रिवर्स बन जाती हैं उनमें हमें क्या मिलता है, पूरे साल जो पानी मिलता है वो ग्लेशियर से मेल्ट होकर मिलता है। वो ग्लेशियर्स कहाँ पर हैं, हिमालयाज में। तो हिमालयाज हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ पे की वाइल्ड लाइफ, यहाँ का की ग्लेशियर्स, ये इट एक्ट्स एज अ नेचुरल बाउंड्री फॉर अस, ये हमें कोल्ड बाइटिंग विंड से प्रोटेक्ट करता है, और कितने सारे वैल्यूएबल जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमें मिलते हैं यहाँ के फॉरेस्ट से। यस, तो इतनी ये हमारे लिए हिमालयाज जो हैं दे आर वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर अस। ओके, now I am giving you a homework. There are three questions only. Question 1, what does the word Himalaya mean? Question 2, name the three ranges of Himalayas. You just have to write the names only. आपको सिर्फ names लिखने हैं हिमालया की जो three ranges हैं उनके। Question number 3, why are the Himalayas important for our country? Okay, you have to write the answers of these three questions by your own. Watch the video again, try to understand the video, read the chapter, read the pages, then only you have to write the answers. पहले अच्छे से pages को पढ़ना, chapter को अच्छे से पढ़ना, सिर्फ northern mountains वाला part आपको पढ़ना है, read करना है, और आपको फिर इन questions के answers लिखने हैं। spellings का अच्छे से ध्यान रखेंगे सभी, ठीक है।
और वीडियो को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, देन ओनली यू हैव टू राइट द आंसर्स इन गुड हैंड राइटिंग. ओके, बाय चिल्ड्रन, थैंक यू.